तक को अगर साढ़े साती चल रही हो और उसके माता पिता हो तो क्या साढ़े साती का प्रभाव कम होता है? ये 16 साल तक का रहता है, उसके पहले का ये भी कह सकते हैं कि किसी को जन्म से ही यदि साढ़े साती लग गई है तो भी उस पर कुछ तो असर होगा ही। लेकिन यह पूरी तरह से बात गलत है कि शनि की साढ़े साती हमेशा बुरा फल देती है। शनि की साढ़े साती व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की शक्ति भी रखती है। जिन राशियों पर अभी साढ़े साती चल रही है उनकी साढ़े साती के उपाय उन्हें क्या करने चाहिए? महिला पुरुष ये दोनों उपाय कर सकते हैं। बताता हूँ जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करता हूँ। अभी तो सबसे पहले बताता हूँ जिनको साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रहा है तो वह 40 दिन का एक उपाय करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, लगातार 40 दिन चालीसा का पाठ या तो शनि मंदिर में जाकर करें, नहीं तो अपने घर पर भी आप पश्चिम मुखी होकर एक आसन पर बैठकर एक पाठ एक साथ 40 शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसे ही 40 दिन तक यदि आप पाठ करते हैं तो शनि की कृपा आप पर बहुत अच्छे से प्राप्त होगी। इसके साथ साथ कई और दो तीन उपाय हैं छोटे छोटे से मैं आपको बताता हूं। एक तो ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका अपन यदि रोज 8 माला जाप सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद करते हैं तो शनि की कृपा आप पर बहुत अच्छे से मिलती है। यदि आप छायादान, एक होता है छायादान, अर्थात आप सरसों का तेल लीजिए या मीठा तेल लीजिए, एक स्टील की कटोरी लीजिए, उसके अंदर तेल को डालिए, उसमें अपना चेहरा देखिए, उजाले के अंदर आप देखेंगे तो आपकी जो चेहरा है वो उसके तेल के अंदर दिखेगा। तो आपको उसके अंदर फिर अपनी मनोकामना बोलें और शनि से अपनी जो भी पुरानी या ज्ञात या अज्ञात जो भी गलतियां हैं भूल है उनसे क्षमा मांगे और शनि से कहें कि हम आपकी शरण में आ चुके हैं, अब आप हमें कृपा दें, आपका आशीर्वाद हम पे बरसाएं। ऐसा कहकर आप उस जो तेल को है उसको आप शनि के चरणों में अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 8 शनिवार करें तो शनि की कृपा आप पर बहुत जल्दी प्राप्त होगी। और शनि की प्रसन्नता के लिए और दो तीन उपाय हैं। एक, आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन उन पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में एक दीपक लगा सकते हैं और साथ में 8 परिक्रमा करें या 11 परिक्रमा करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों से आप शनि की पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें तो शनि की कृपा आप पर बहुत जल्दी होती है। शनि के लिए यदि आप नमक का छोड़ते हैं तो वह भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आप उपवास न करके शनिवार के दिन सिर्फ नमक का त्याग करते हैं, आप 8 का त्याग कर सकते हैं, 11 शनिवार का कर सकते हैं, 21 शनिवार का कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा और आपकी शक्ति के ऊपर है कि आप किस प्रकार से ये दान कर सकते हैं।